गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण का पार्ट 10 क्रिया पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब आप ये सब चित्र देखो सब लोग। इसमें दादाजी बैठे हैं, दादी बैठी हैं और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऊपर चित्र में नेहा नाच रही है, दादाजी कहानी सुना रही हैं। कुत्ता बॉल से खेल रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ध्यान दिया कि नेहा नाचने का, दादाजी सुनाने का, कुत्ता खेलने का तथा दादाजी पढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, दादाजी, दादी जी, नेहा, कुत्ता, ये सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। और ऐसे शब्द जिनसे किसी काम को करने या काम के होने का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब आप बताइए, चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। देखो, नेहा क्या कर रही है, दो बच्चे बैठे हैं। कुत्ता क्या कर रहा है, दादी जी क्या कर रही हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं। अब आप देख के बता सकते हैं, नेहा क्या कर रही है, नेहा नाच रही है। कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता बॉल से खेल रहा है। दादी जी कहानी सुना रही है। दादाजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। ये आप चित्र देखकर सब समझ गए कि कौन क्या कर रहा है। तो जिन शब्दों से, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जो शब्द जिनसे कुछ काम, जो काम हो रहा है, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। सभी कुछ न कुछ काम करते हैं और कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे तारों का चमकना, नदी का बहना, बारिश का होना आदि। इन्हें हम काम का अपने आप होना कहते हैं, है ना। हमने बड़े, जैसे तारों का चमकना, सूरज का उगना, बारिश का होना, ये काम हम तो नहीं करते, ये काम प्रकृति द्वारा स्वयं होते हैं। तो इन्हें काम का अपने आप होना कहते हैं। काम का अपने आप होना, कौन से काम है जो अपने आप होते हैं। नदी बह रही है, नदी अपने आप बहती है, हम तो नहीं उसे बहाते। बारिश हो रही है, है ना, ये काम है जो प्रकृति द्वारा स्वयं अपने आप हो जाते हैं। काम करना, माताजी खाना बना रही हैं। अब ये माताजी खाना बना रही है, वो काम है जो मम्मी करती हैं, काम अपने आप नहीं होते। रमन कूद रहा है, रमन अपनी मर्जी से कूद रहा है। तो ये जो खाना बना रही है मम्मी, रमन जो कूद रहा है, ये भी काम है जो स्वयं हम कर रहे हैं। और जो हमने नदी बह रही या बारिश हो रही है काम पड़ा, वो काम अपने आप हो रहे थे, तो वो ये भी काम है। तो इनसे भी किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। कुछ अन्य क्रिया शब्द, खेलना, रोना, धोना, ये सब भी जो हमने पढ़े, ये हैं कुछ क्रिया शब्द। इन शब्दों से भी कोई काम के होने का पता चलता है। नाचना, दौड़ना, पढ़ना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। काम का बोध कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ, है ना। देखो, इस लाइन में पूरी बात बोल दी है कि क्या है, जिससे किसी काम को करने का बोध होता है, पता चलता है, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, है ना। तो हमने अभी क्रिया पढ़ा, आप सबको समझ में आया। अब आप पुनः ये पाठ पढ़ो और क्रिया को समझो। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। देखो, सब बुक में दिए गए क्रिया शब्दों में सही का निशान लगाइए। घूमना, कपड़ा, चलना, इसमें बताओ क्रिया शब्द क्या है, घूमना और चलना। रोना, पढ़ना, हम, इसमें क्या है क्रिया शब्द, रोना, पढ़ना। लिखना, आप, खेलना, इसमें क्रिया शब्द क्या होगा, लिखना और खेलना। राम, सुनना, हंसना, इसमें क्रिया शब्द क्या है, सुनना और हंसना। अब इसका बचा हुआ भाग हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।